नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं बताने जा रही हूँ श्री गणेश के 11 स्वरूप जो कि चमकाते हैं किस्मत। किसी भी कार्य में सबसे पहले श्री गणेश का ही नाम लिया जाता है। जिस प्रकार श्री गणेश का नाम मात्र लेने से सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं, वैसे ही श्री गणेश के इन स्वरूपों में से किसी एक का विधि विधान से पूजन कर घर में स्थापित किया जाए तो कुछ ही समय में आपकी किस्मत चमक सकती है। श्री गणेश के विभिन्न रूप अपने भक्तों के सारे दुखों को हरने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं श्री गणेश के विभिन्न रूपों की पूजन से क्या मिलेगा आपको फायदा। सफेद अकाओ यानी कि सफेद आंकड़े के गणेश। तंत्र क्रियाओं में सफेद आंकड़ा एक प्रकार का पौधा है जिसकी जड़ से निर्मित श्री गणेश का विशेष महत्व है। इसे श्वेतार्क गणपति भी कहते हैं। कई उपाय में इसका स्वरूप उपयोग में लिया जाता है। श्वेतार गणपति को घर में स्थापित कर विधि विधान से पूजन करने पर घर में किसी ऊपरी बाधा का असर नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरे स्वरूप के, मूंगे के गणपति। मूंगा सिंदूरी रंग का एक रत्न होता है। इससे निर्मित श्री गणेश की प्रतिमा को पूजा स्थान पर स्थापित करने और नित्य पूजन करने से शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। साथ ही इससे बने श्री गणेश अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। पन्ने के गणपति। पन्ना भी हरे रंग का एक रत्न होता है। इससे निर्मित श्री गणेश की प्रतिमा की पूजन स्थान पर स्थापित करने से विधि विधान से पूजन करने पर बुद्धि और यश प्राप्ति होती है। स्टूडेंट्स के लिए खासकर पन्ने के गणेश जी की पूजा करना श्रेष्ठ होता है। चांदी के गणपति। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं उन्हें चांदी से निर्मित गणपति प्रतिमा की पूजन करना चाहिए। इन्हें पूजा कर घर में स्थापना करें, दूरवा चढ़ाते रहें, धन संपत्ति में वृद्धि होगी और धन का आगमन भी तेजी से होने लगता है। इनकी पूजन करने से जीवन का सुख प्राप्त होता है। चंदन की लकड़ी के गणपति। चंदन की लकड़ी से निर्मित श्री गणेश की प्रतिमा घर में कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। इससे घर में किसी प्रकार की विपदा नहीं आती और साथ ही परिवार के सदस्यों में सामंजस्य बना रहता है और पारिवारिक माहौल खुश रहता है। पारद गणपति। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए पारद यानी पारद से निर्मित गणपति प्रतिमा की पूजा भी की जाती है। यदि किसी ने आपके घर पर या घर के किसी सदस्य पर तंत्र प्रयोग किया हो तो पारद गणपति की पूजा से उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं बांसुरी बजाते हुए गणपति। यदि आपके घर में रोज क्लेश या विवाद होते हैं तो आपके बांसुरी बजाते हुए श्री गणेश की तस्वीर या मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए। बांसुरी बजाते हुए गणपति की पूजा करने से घर में सुख शांति का वातावरण रहता है। हरे रंग के गणपति की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की वृद्धि होती है और साथ ही साथ यश मिलता है। हाथी पर बैठे गणपति। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो आपको हाथी पर बैठे श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। हाथी पर विराजित श्री गणेश की पूजा करने से पैसा, इज्जत और शोहरत मिलती है। नाचते हुए गणपति की पूजा करने से मन को शांति का अनुभव होता है। यदि आप किसी तनाव में हैं तो आपको प्रतिदिन नाचते हुए श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ पंचमुखी गणपति। तंत्र क्रिया की सिद्धि के लिए पंचमुखी श्री गणेश का पूजन किया जाता है। इससे कोई भी तंत्र क्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाती है। ऐसी खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी, केवल तंत्र मंत्र और विज्ञान में एस्ट्रो तक पे। नमस्कार।